हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल विद अनुलेखा किचन रेसिपी। आज मैं फिर आपके साथ एक बढ़िया सा नाश्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बहुत ही घर की सिर्फ दो चीज़ों के साथ बहुत ही इजी वे में बनाया है। और इसके साथ मैंने रखी है टमाटर की बिल्कुल यूनिक तरीके से लाल चटनी, जिसे मैंने वीडियो में शेयर किया है। और ये जो मैंने नाश्ता बनाया है, ये बहुत ही सुपर सॉफ्ट नाश्ता है, बिल्कुल रुई के समान। तो फिर चलिए चलते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक मिक्सर जार, इस पे लिया है 1 कप सूजी, ये मैंने सूजी डाल ली है 1 कप। और उसी का लगभग मान के चलिए आधा कप पोहा लिया है, और जिस कप से मैंने पोहा लिया है उसी का 1 कप दही लिया है। और इसमें मैं अब हल्का सा पानी मिला के इसे ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए, तो बढ़िया सा ये हो जाएगा पेस्ट मेरा रेडी। तो ये देखिए, बढ़िया सा पेस्ट हो गया है रेडी। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा थिकनेस लग रहा है, तो इसको आप बाद में पानी डाल दीजिए थोड़ा सा, और इसका पेस्ट रेडी करना है। पहले तो जो मिक्सर में बच गया है उसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के आप उसे निकाल लीजिए। ये देखिए, और इसमें अब नमक मिला के और इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे साइड में रख देंगे ढककर 15-20 मिनट के लिए। तो ये बढ़िया सा हो गया है रेडी पेस्ट, अब मैं इसे ढककर रख दूँगी। चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, इसमें हम बनाएंगे चटनी। यहाँ पर मैंने लिया है रोस्ट किए हुए मूंगफली के दाने, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और 5 से 6 पुदीना, फ्रेश पुदीना लिए हैं, और 2 बड़ी लाल मिर्च ली है। अब इसमें मैं रख दूँगी टमाटर, जो मैंने गैस पे हल्के से रोस्ट कर लिए थे, 2 बड़े टमाटर हैं, इसे भी हम डाल देंगे, और नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। ये देखिए, अब बढ़िया से इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। पहले हम डाल लेते हैं इसमें पानी, हल्का सा पानी आप डाल दीजिएगा, रिक्वायरमेंट है तो डालिएगा, अदरवाइज़ आप इसी का चटनी रेडी कर सकते हैं। अब मैं इसे पीस कर अलग साइड में रख दूंगी। तो हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन, इसमें मैंने 1/2 चम्मच ग्रीस कर लिया है ऑयल को, ये गरम हो चुका है। अब इसमें हमें रेडी किया हुआ बैटर डाल देंगे, इसे गोल हम रोटी की तरह बनाएंगे। ये देखिए, तो बढ़िया सा, और इसे एक साइड हम फुल पकाएंगे और दूसरी साइड फिर हम इसे पलट देंगे। तो ये देखिए, एक साइड मेरा हो चुका है, ये मैंने सेकंड साइड अब इसके मैं पकाऊंगी, इसे हल्का सा पकाना है आपको। तो ये देखिए, बढ़िया सा अब रेडी हो गया है दोनों साइड से। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। इसके बाद हम बढ़िया सा नेक्स्ट पराठा भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। ये देखिए, बैटर को आपको सिमिलर वे में वैसे ही डालना है, और गोल सा इसका शेप दे के आपको दोनों साइड से पकाना है। तो ये बढ़िया सा ये पक गया आएगा पूरी तरह, आप पूरे पराठों को इसी तरह आप निकाल लीजिएगा। तो ये देखिए, बढ़िया सा हमारा रेडी हो गया है दोनों साइड से। दोस्तों, मेरी दूसरी अदर वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मैं इसे सर्व करूँगी। ये मैंने ले लिया है पराठे, और यहाँ पर मैंने ले लिया है मेरी चटनी जो रेडी थी, टमेटो वाली रेड कलर की, और ये सुपर सॉफ्ट रुई के समान मेरे जो पराठे हैं वो भी अब रेडी हैं, और आप इसे एंजॉय करिएगा। और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा ये कैसे बनी है, और लिख के ज़रूर बताइएगा ये आप कैसे बना है। ट्राई ज़रूर करिए घर में, बहुत ही सुपर इजी और सुपर सॉफ्ट हमारा ब्रेकफास्ट है, तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।